नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्रचंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप इन सभी में भी थोड़ा समय व्यतीत कर रहे होंगे, अच्छा समय दे रहे होंगे। जितने समय भी कर रहे होंगे आप, कुछ अच्छे प्रयास आप लोगों का चल रहा होगा। देखिए, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, कॉल मी फोर आप जो है मैं पुनर्वार प्रारंभ करने वाला हूँ। और ये जो प्रारंभ करने वाला हूँ, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की जो है इसमें यही चाहता हूँ कि जो लोग अत्यंत ज़रूरी बात को लेकर फ़ोन करें, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो मतलब जो उनका चैनल देख के जो वो कुछ कर रहे हैं, साधना समझ नहीं पा रहे, चैनल रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उसके साथ जो है उसको लेके हमें कॉल करें। और दूसरी बात है, अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, ना ही देखता हूँ, ना ही मैं कोई त्रिकालदर्शी बाबा हूँ जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँगा। मैं बस लोगों को कैसे वो अपने अपने हिसाब से, अपने माध्यम से जो है किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, कोई माता की जो भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई साधना करेंगे, उनको कोई रिमेडी चाहिए होगा, कोई उपचार चाहिए होगा, वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की गलत चीज़ जैसे ये भूत प्रेत काला जादू ये इस प्रकार की नॉनसेंस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी हमें कॉल ना करें। मैं इसीलिए नॉनसेंस बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस चैनल में एक बार अगर हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ है, ये बात नहीं, मैं ये बात नकार नहीं रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है, कुछ दुनिया में ऐसा नहीं है, सब कुछ है। लेकिन हम इस बात को लेके कहते हैं कि आप इस प्रकार से फ़ोन पे जो है जब आप कॉल करते हैं, आपका बहुमूल्य समय, आपका अर्थ और मेरा भी बहुमूल्य समय जो है वो आप ले रहे हैं। तो इसमें आप जिस चीज़ के लिए मतलब कोई कार्य नहीं है उस चीज़ के लिए फ़ोन ना करें। ये केवल ही केवल आपकी साधनात्मक उन्नति, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए आप चाह रहे हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन करने का आपको प्रयास कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं कॉल मी फोर आप के माध्यम से। और इसके लिए आपको बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी मैं दूंगा कि इसमें हो सकता है हर हफ्ते में मैं एक दिन इसकी जो चार्जेस है वो उसको 50% रिड्यूस कर दूं, और वो करने के बाद एक टाइम दे दूं, उसी टाइम के बीच हर कोई व्यक्ति कर सकता है। हालांकि पहले वो 70 रुपीज़ रखा था, लेकिन मेरे हमेशा कमेंट यही आता था कि मैं जो स्टूडेंट हूँ इतना नहीं कर सकता, मैं 5 मिनट 7 मिनट बात करना है कितना, मैं ये पूरा काम कर दूंगा। और कोई भी पहले अभी मैं कम से कम 15 या 20 रुपया या 10 रुपया भी रख दूंगा, मुझे कुछ भी इसके बारे में ये नहीं है। मैं इसीलिए रखता था कि उस समय बहुत सारे बेकार के लोग जो है वो कॉल करते थे। देखो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फ़ोन मत करिए कि आचार्य जी हमें थोड़ा बात करना है, ऐसा है वो, करने से मेरे क्या जाता, मैं बात कर लूँगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं, और रही आप सोच रहे होंगे कि अच्छा उनको तो चार्जेस मिल रहा होगा तो हम बात कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अवश्य ज़रूरी है वो हमें कॉल करें। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बात ही आपको बताना चाहता हूँ, ये है रुद्रचंडिका उपचार। रुद्रचंडिका उपचार क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ, रुद्रचंडिका रेमेडी क्या है, ऐसे मैं आपको रुद्रचंडिका उपाय मैं आपको क्या बताता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कॉल मी फोर आप में कॉल करते हैं, वो अगर जीवन में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के जो समाधान है वो करके थक चुके हैं, उपाय करके थक चुके हैं, सारे रत्न पहनकर भी कोई लाभ नहीं, उसको निकाल के फेंक चुके हैं, अब मतलब रख चुके हैं, अब कोई एकदम कोई उनका कुछ ये नहीं, लाखों की पूजा पाठ करवा लिया, कोई उनको ये नहीं मिल रहा है, ऐसे भी नहीं मिल रहा है ऐसे। और देखिए, पहली बात है ये विश्वास से सब कुछ होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनके मन में घुस गया है कि वो कोई ना कोई उनको चीज़ ऐसे बाधा दे रहा है, उनके मन में वो उनके अंदर वो चीज़ 100% क्लियर है, वो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बार बार वही सोचते हैं कि उनको कोई चीज़ ऐसे जकड़ रखा है, कोई उनको पकड़ रखा है, कुछ हो सकता है। अगर हम अपने तरफ से, अपने उपाय के माध्यम से, अपने अनुष्ठान के माध्यम से वो चीज़ करने का प्रयास करते हैं, अगर उसके बाद नहीं होता अलग बात है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे हवन हम किसी को कह सकते हैं, अगर आपके पास जो आर्थिक अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, आप कोशिश करके अगर कर पाएंगे तो सामूहिक हवन में आप योगदान करिए, अगर नहीं तो वो भी ना करें। मैं उपचार अपने आप के द्वारा करने के लिए देता हूँ, तो मंदिर में होता है, अपने घर में भी वो उपचार कर सकते हैं, छोटी छोटी रेमेडी देता हूँ मैं, और उसी चीज़ को व्यक्ति को ध्यान से करना है, उसको मैंने नाम दिया है रुद्रचंडिका उपाय।
रुद्र चंडिका रिमेडी भाया कॉल मी फॉर आप में आप जो टाइम शेड्यूल होगा उसको देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने हमसे साधना लिए हैं पूर्व काल में, जैसे बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने, मैंने कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट भी किया है, उनके जीवन में साधना के माध्यम से कुछ हुआ है, वो अगर साधना रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको उपाय चाहिए, रुद्र चंडिका उपाय चाहिए, कैसे मान लीजिए जैसे कोई बोल रहा है कि मेरी साधना बारम्बार खंडित हो रहा है, उसके लिए मुझे उपाय बताइए क्या कारण है। देखिए पहले तो बात मैं बता देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको वो समाधान बताऊँगा। मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ कि आप जैसे आएंगे मुझे कोई बोल देगा, मैं आपको बता दूंगा अपने अपने चेतना से, अपने अंदर से जो जो अपने अंदर से बाबा जो हमें संकेत देते हैं चेतना में जो आता है उसी को हम आपको बताएंगे। ऐसे हम कोई ऐसा नहीं कि त्रिकालदर्शी नहीं है कि आपके भूत भविष्य वर्तमान कहने के लिए बैठे हैं। आपको समस्या होगा, हो रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं कि हमें समस्या हो रहा है, इसके लिए रिमेडी के लिए आप थक गए हैं, या फिर हम डायरेक्ट ही हमारे चैनल से आप प्रभावित होकर लोगों की अच्छा देखकर आप ये कहना चाहते हैं कि हम जरूर कॉल करेंगे, तो आप अगर कॉल कर सकते हैं आपकी रिमेडी के लिए। ये है रुद्रचंडिका उपाय, रुद्रचंडिका रिमेडी। कॉल मी फॉर आप जो है वो rudrachandika@cm4 है, उसमें आपको पता चल जाएगा, मैं आपको डिटेल आपको स्क्रीन में आ रहा होगा वो वाला, ठीक है। आप यहाँ पे टाइमिंग ऐसे दिखा रहा होगा लेकिन वहाँ पे जाकर आप प्रोफाइल में क्लिक करके टाइमिंग देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको डिटेल पता चल जाएगा कि आप कैसे किस टाइम में कॉल करेंगे, कौन से टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं। हर दिन चेंज हो सकता है और मैं ये कोशिश करूँगा हर 15 दिन या फिर 1 महीने में एक दिन ऐसे रख दूँगा कि सुबह से शाम तक उसकी फ़ीस जैसे 5 रुपया या 7 रुपया ऐसे रख दूँगा, तो हर व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी चाहे रिमेडी हो, वो फ़ोन करके बात करके पूछ ले, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। तो रुद्रचंडिका उपाय प्राप्त करने के लिए या फिर रुद्र कहें तो रुद्रचंडिका रिमेडी प्राप्त करने के लिए आप हमें भाया कॉल मी फॉर आपसे कॉल कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मैं अभी मैक्सिमम टाइम जिस समय में मैं ऑनलाइन आता हूँ उस समय में ही मैं थोड़ा समय निकालकर ऑनलाइन आता हूँ। आवश्यक समय पे, जरूरी समय पर ही आप फ़ोन करें, छोटी छोटी बात को लेकर फ़ोन ना करें। अगर मैंने हनुमान चालीसा के बारे में बताया है, आप देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा को महिला भी पाठ कर सकते हैं, उसके लिए फ़ोन ना करें कि हनुमान चालीसा महिला भी पाठ कर सकते हैं क्या, ये सब पूछने के लिए फ़ोन ना करें। आप मतलब बिल्कुल भी कॉल मी फॉर आपके माध्यम से बिल्कुल भी कॉल ना करें हमें, ठीक है ना। तो आप जो है हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार जो आप चाहते हैं सहायता, जो रिमेडी चाहते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए आप कॉल करें, वरना ऐसे बिल्कुल भी ना करें क्योंकि वो भी मेरा समय व्यर्थ होता है। तो आज से ही कॉल मी फॉर आप चालू होता है, आप जो है इस चीज़ को जान लीजिए, जितनी जिस प्रकार की समय रहेगा उसी हिसाब से ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जय माई की।